वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर कहा कि जब से हमारी सरकार आई है हम मजबूती से नक्सलियों से लड़ रहे हैं, हम सुरक्षा को दृष्टि से संवेदनशील इलाकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, अंततः हम विजय प्राप्त करेंगे। हम लोग की जब से सरकार आई है मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि 13 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और अभी तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों का है और हम लोग सुरक्षा कैंप बराबर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर डाल रहे हैं और सुरक्षा कैंप नहीं मतलब सुविधा कैंप और उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहां तक राशन सड़क बिजली पानी सब पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसका भी ये लोग विरोध करते हैं और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और एक नियत निलानार योजना आपका अच्छा गांव योजना भी हम लोग लागू किए हैं जिसके माध्यम से सरकार की जो भी सुविधाएं हैं और गांव वालों की जो बुनियादी आवश्यकता है राशन सड़क बिजली पानी इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाने का काम कर रही है।